रणबीर कैटरीना ने अपना ब्रेकअप किया पब्लिकली डिक्लेयर। रणबीर कैटरीना का ऐलान ब्रेकअप। आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद आवर ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान करना चाहते हैं सनी लियोने के साथ काम। आमिर खान भी आ गए हैं सनी के सपोर्ट में। अपने सोशल हैंडल पर सनी को सपोर्ट करते हुए आमिर ने लिखा है, सनी आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स विद योर पास्ट, एज द इंटरव्यूअर पुट्स इट, स्टे ब्लेस्ड, लव। आमिर ने आगे कहा, I think Sunny conducted herself with a lot of grace and dignity. I wish I could have said the same about the interviewer. Aamir ka ye statement Sunny ke us recent interview ke baad aaya hai, jisme Sunny Leone se kai aise sawal puche gaye jo Bollywood mein kai celebs ko pasand nahi aaye, jiske baad almost pura Bollywood Sunny ke bachav mein utar aaya hai. Alia Bhatt ne kaha, that was literally not an interview. Just hyper opinionated statements with a question mark at the end. No grace, chivalry, ridiculous. इस पूरे मुद्दे पर जब Zoom ने सनी से एक्सक्लूसिव बात की तो उनका कहना था, This is really a nice surprise. I never expected it. It's really sweet of Aamir and I would like to thank him for all the support. People from this industry, my fans, everyone who has been very supportive and has given me so much love. I can't believe what's happening to my social media. It's going bananas. I am really grateful for this. Well, भले इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सनी अनकंफर्टेबल रही हो, लेकिन जिस तरह पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में उतरा है, उससे कहीं ना कहीं उनका फायदा ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रणबीर और कैटरीना ने पब्लिकली अपने ब्रेकअप को डिक्लेयर कर दिया है तिशा, एंड आई नो यू नो द फुल स्टोरी ऑन दिस, सो टेल मी। ओके प्रीटी लेडी, इफ यू अलाउ मी टू टॉक। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो सुनो, कल एक इवेंट पर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ दोनों मौजूद थे, और वहां रणबीर और कैटरीना ने सबके सामने कुछ ऐसा किया कि पब्लिकली पहली बार उनका ब्रेकअप डिक्लेयर हो गया। ओह रियली, व्हाट इज इट? वेल नशप्रीत, अगर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तो मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई स्टोरी कौन देखेगा, राइट? ऑफ कोर्स, चलो शो मी। Elane breakup. रणबीर कैटरीना ने फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को वो सबूत फाइनली दिया है, जिससे प्रूव हो जाता है कि बॉलीवुड का ये प्यारा सा रिश्ता टूट चुका है। जरा रणबीर और कैटरीना के इन विजुअल्स को देखिए, आपको भी ये पूरी तरह पता चल जाएगा, इन दोनों रणबीर और कैट ने एक दूसरे को पूरी तरह से भुला दिया है। कल एक ही इवेंट पर अलग अलग समय और अलग अलग लोगों के साथ रणबीर और कैटरीना पहुंचे। जी हाँ, इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को अवॉइड करने के लिए इस इवेंट पर अलग अलग टाइम पर पहुंचने का फैसला किया। रणबीर और कैट ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि इनका आमना सामना ना हो जाए। रणबीर जहाँ इस इवेंट पर अपने डैड के साथ नजर आए, वही कैटरीना अपने किसी दोस्त के साथ इस इवेंट पर पहुंची। वेल साफ है, अब से कुछ दिनों पहले तक हर जगह एक साथ नजर आने वाले रणबीर और कैट को अब एक दूसरे का साथ नहीं है गवारा। जरा आज के इन विजुअल्स और कुछ दिन पहले आए इन विजुअल्स को देखिए, आपको भी पता चल जाएगा ये प्रेम कहानी है बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लगभग महीने भर पहले तक मूवी स्क्रीनिंग से लेकर
छुट्टियां साथ मनाने वाले इन लव बर्ड्स के बीच अचानक इतनी कड़वाहट आ गई है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस तक नहीं करना चाहते। रणबीर और कटरीना के फैंस अभी भी चाहते हैं कि इनकी प्रेम कहानी को मिल जाए मंजिल, लेकिन ये विजुअल दूसरी ही तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टिल वी होप फैंस जिस बात की आस लगाए बैठे हैं वो सच हो जाए। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप का एक प्रूफ मेरे हाथ लग गया है। प्रूफ? आहा, कौन सा प्रूफ? एक ऐसा प्रूफ जिसे देखने के बाद रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की पूरी स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। अपने आप क्लियर हो जाएगी? तो किस बात का वेट कर रहे हो, मुझे भी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं तिशे, मैं दिखाऊंगी। नहीं, नॉट फेयर, आई वांट टू नो नाउ। नो, जस्ट वॉच। तुमने मुझे इतना एक्साइट किया यार। कटरीना और रणबीर के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ब्रेकअप की खबर के बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे प्रूफ्स जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि रणबीर अब कटरीना से अलग हो चुके हैं और इनका ब्रेकअप है ऑफिशियल। जी हाँ, हम दिखा रहे हैं आपको रणबीर की कार, और ये कार जहाँ हुई है पार्क, उससे खुल गए हैं कुछ राज, खड़े हो गए हैं कुछ सवाल, और क्लियर हो गया है ब्रेकअप। अब ध्यान से देखिए, ये कार कहाँ है पार्क्ड? चलिए हम ही बताते हैं। ये कार है पार्क्ड एट कृष्णा राज पाली हिल बांद्रा, यानी ऋषि और नीतू कपूर के घर। अब ये तो सबको पता है कि पिछले लगभग 2 सालों से रणबीर कटरीना रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में हिल रोड पर, जहां उन्होंने लगभग 15 लाख का रेंट देकर एक डुप्लेक्स लिया था। मगर अब रणबीर की कार है पापा ऋषि कपूर के घर में पार्क्ड। यही नहीं, यहां देखिए रणबीर की बाइक भी है यहीं पर पार्क्ड। इन सबूतों के साथ अगर सोर्सेस की माने तो ये भी पता चला है कि रणबीर की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी की जा रही हैं शिफ्ट इन पापाज हाउस। जूम को सोर्सेस से ये भी पता चला है कि जग्गा जासूस की शूटिंग के लिए जहां पहले रणबीर और कैट एक ही वैनिटी वैन शेयर कर रहे थे, वहीं अब कैट ने अपने लिए अलग से वैनिटी वैन की डिमांड रख दी है। तो इन सबूतों को देखने के बाद ये तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रेकअप की खबरों में कुछ सच्चाई तो है। आग कहीं तो लगी है जो इतना धुआं उठ रहा है, नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। नैश, हर जगह आजकल रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की खबरें हैं। इनफैक्ट अब खुद रणबीर और कटरीना पब्लिकली एक दूसरे को इग्नोर करने लगे हैं। लेकिन क्या? लेकिन ये नैश कि इन सब ब्रेकअप की न्यूज और प्रूफ के बाद मुझे कटरीना की एक ऐसी पिक्चर मिली है जिसे देखकर मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया हूँ। इस पिक्चर में ऐसा क्या है तिशे जो तुम देखकर कंफ्यूज हो गए हो? तुम्हें देखना है? यस। कंफ्यूज होना है? नो, बट ओके। लेकिन देखकर कंफ्यूज हो जाओगी तो okay. देखो। कटरीना की उंगली में रिंग, एंगेजमेंट फिंगर में रिंग, और वो भी डायमंड स्टडेड। क्या है माजरा? रणबीर कपूर से ब्रेकअप के जस्ट बाद कटरीना की फिंगर में ये रिंग उठा गई है कई सवाल। आखिर क्या है इस रिंग का राज? कटरीना की सगाई हो गई है या फिर सिर्फ ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से ही कैट ने पहनी है ये रिंग?
Well, ये तो हम नहीं जानते, हाँ, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद जब मुंबई मैराथन में कैट को किया गया था स्पॉट, तो उनकी ये उंगली थी सूनी, यानी नहीं थी ये रिंग। देखा आपने, यहाँ कैट की उंगली में रिंग नहीं है, पर कल हुए उमंग फेस्टिवल में कैट की एंगेजमेंट फिंगर में रिंग दिखाई दे रही है। Well, we have to wait and watch कि next time जब कैट कहीं नजर आती हैं, तो उनकी इस उंगली में ये रिंग दिखती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। तुम्हें पता है रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप का बड़ा रीजन किसे माना जा रहा है? No, किसे? सलमान खान को। What? सलमान खान को? लेकिन क्यों? सलमान का रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप से क्या लेना देना? Well, कुछ तो लेना देना होगा, इसलिए स्टोरी बनी है, चलो देख लेते हैं। कटरीना सलमान की इस एक मुलाकात की वजह से सलमान पर लग रहे हैं सीरियस एलिगेशंस। जी हाँ, इस मुलाकात के बाद जो डर सलमान खान के सारे करीबियों को सता रहा था, वो सच साबित होने जा रहा है। कटरीना और सलमान खान की इस मुलाकात को कहीं ना कहीं रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप से जोड़ कर देखा जा रहा है। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप में सलमान का नाम घसीटा जा रहा है। ना चाहते हुए भी सलमान खान इस ब्रेकअप पर कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। लेकिन अब सलमान खान को बिना वजह इस कंट्रोवर्सी में फंसते देख उनके करीबी सलमान खान के डिफेंस में उतर आए हैं। सलमान खान के एक करीबी ने कहा है कि सलमान खान का रणबीर कैट के ब्रेकअप से कोई लेना देना नहीं है। कटरीना भले ही सलमान खान से मिलती रहती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सलमान खान ने उन्हें ना तो कोई सुझाव दिया और ना ही पर्सनल रिलेशनशिप में कोई इंटरफेरेंस की है। साफ है, सलमान खान का नाम इस ब्रेकअप कंट्रोवर्सी में आने से उनके करीबी बिल्कुल खुश नहीं। और ऐसा हो भी क्यों ना, सलमान कभी किसी के पर्सनल रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं करते। अब देखने वाली बात होगी क्या सलमान खुद इस ब्रेकअप कंट्रोवर्सी पर कोई बयान देते हैं या नहीं। तुम्हें पता है एक बॉलीवुड कपल आजकल पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहा है। ओ हो, पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है। कौन है ये बॉलीवुड कपल? ये बॉलीवुड रियल लाइफ कपल है, आलिया और सिद्धार्थ। Really? मतलब आलिया और सिद्धार्थ, they finally spoken about their relationship, they've accepted it. वो भी सबके सामने। सबके सामने? Yes. और तुम किसका वेट कर रही हो, शो खत्म होने का? Sorry. साथ भी है और एक दूसरे के पास भी। आलिया और सिद्धार्थ अब पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने लगे हैं। कल रात उमंग मुंबई पुलिस शो के दौरान आलिया और सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, लोगों के सामने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ही लिया। ये देखिए उमंग मुंबई पुलिस शो में कैसे आलिया पहले करण जौहर के साथ शॉटर बग्स के लिए पोज करती नजर आ रही हैं। अब आलिया और करण यहाँ साथ में पोज कर रहे थे कि तभी पीछे से आए सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ को देख करण ने उन्हें अपने और आलिया के बीच खड़े होकर कैमरास के लिए पोज करने को कहा, लेकिन सिद्धार्थ करण की बात ना मानते हुए आलिया की साइड जा खड़े हुए और मीडिया के कैमरास के आगे पोज करने लगे। पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद आलिया और सिद्धार्थ हाथों में हाथ डाले वहाँ से चले गए। आलिया और सिद्धार्थ जिस तरह यहाँ हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के साथ नजर आए, उसके बाद इनके रिलेशनशिप को बयां करने के लिए अल्फाजों की कोई जरूरत नहीं रह गई है।
वी विश आलिया और सिद्धार्थ का ये रिलेशनशिप यूं ही बना रहे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। Oh, you need a break. Break में कॉफी पी सकती हो. Yeah. Okay, guys, on Nashmeet's special request, you guys take a short break and come right back, क्योंकि break के बाद है आपको turn on कर देने वाली big Bollywood updates. Planet Bollywood. Planet Bollywood. तिशे, तुम्हें पता है मैं कल कहाँ थी? मुझे कैसे पता चलेगा नशप्रीत, तुम तुम्हारी लाइफ की सब डिटेल्स मेरे साथ कहाँ शेयर करती हो? बट ओके फाइन, बता दो कहाँ थी। वेल, यस्टरडे आई अटेंडेड द उमंग मुंबई पुलिस शो, और तुम्हें पता है वहाँ पे कौन कौन आया? कौन? शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, रणवीर। बस नाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग मी फील बैड अबाउट इट। तो चलो मुझे दिखा दो कि क्या क्या किया वहाँ पर एंड व्हाट हैपेंड। प्लीज बोलो। प्लीज श्योर, आई विल शो यू। मुंबई की ड्यूटी में लगे हुए पुलिस ऑफिसर्स के लिए रखी गई एक पार्टी, जिसमें हर साल की तरह पहुंचे बी टाउन के सितारे। मुंबई पुलिस की पार्टी में हर तरफ बस सितारों का जलवा था। बी टाउन के चमचमाते चेहरों से ये पार्टी थी सराबोर। पार्टी में चार चांद लगाने पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिनको इस पार्टी में पहुंचते ही फैंस ने घेर लिया। तो वहीं करण जौहर के साथ आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे और किया मीडिया के लिए एक साथ पोज भी। तो यहां साथ आने वालों की लिस्ट में फ्लाइंग जट की जोड़ी टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस भी थे, और फरहान अख्तर अपने फ्रेंड रितेश सिद्वानी के साथ आए। तो दूसरी तरफ रणबीर कपूर पहुंचे डैड ऋषि कपूर के साथ, और खास बात ये रही कि कैटरीना कैफ पहुंची यहां अकेले ही। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी यहां अलग अलग कार्स में आए। रणवीर तो अपने मोबाइल में वीडियो देखने में ही थे मशगूल। इस पार्टी की स्पेशल बात ये भी थी कि यहां एक साथ यंग जनरेशन और सीनियर स्टार्स दोनों ही थे मौजूद। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। नेश, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट एयरलिफ्ट के उसी से रिलेटेड आई वांट टू आस्क यू, क्या तुमने अक्षय कुमार और निमरत कौर का जूम की कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा? ऑफ कोर्स, दैट फर्स्ट एवर इंटरव्यू ऑन अ चॉपर, क्या जबरदस्त इंटरव्यू था, मजा आ गया। वेल, ऑडियंसेस को भी मजा आ गया एंड दे हैव रिएक्टेड क्वाइट अमेजिंगली। यू वांट टू सी? ऑफ कोर्स। द अदर रिएक्शंस। जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ यार मेरा सुपरस्टार में इस बार एयरलिफ्ट हुए अक्षय और निमरत। ये था इंडियन टेलीविजन पर फर्स्ट एवर इंटरव्यू इन एयर, जो स्टार्स के लिए भी था एक्साइटिंग। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार निमरत कौर जी एयरलिफ्ट हो रही हैं, और हमारे साथ गरिमा जी हैं, ये भी पहली बार एयरलिफ्ट हो रही है। इस शो के ऑन एयर होने के बाद मिला है आप लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स कि हैशटैग यार मेरा सुपरस्टार आज कर रहा है ट्रेंड एट गरिमा कुमार, अक्षय कुमार एंड निमरत ऑफिशियल। यू ऑलवेज आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड फन साइड ऑफ स्टार्स, हैशटैग यार मेरा सुपरस्टार। Watching India's first ever interview on air at Akshay Kumar and at Nimrat Official with hashtag Garima on Zoom TV, Yaar Mera Superstar. Watching Yaar Mera Superstar at Akshay Kumar and at Garima Kumar are looking hot and beautiful as Nimrat Official. Watching India's first ever interview on air with Akshay Kumar, निमरत कौर ऑन जूम टीवी, हैशटैग यार मेरा सुपरस्टार। आपके इस ऑसम रिस्पांस के लिए और हमारे इस फर्स्ट एवर इंटरव्यू इन एयर को नेशनली ट्रेंड करवाने के लिए जूम करता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेश, क्या खोले हम थ्री के स्टार्स आफ्ताब शिवदसानी एंड तुषार कपूर ने हमारी जूम की कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ एक्सक्लूसिव फनी इंटरव्यू किया। डू यू वांट टू चेक इट आउट? यस, शो मी, हैव अ लुक। Planet Bollywood.
Ladies and gentlemen, this is a special on parrots. क्या अश्लीलता चल रही है पैरट्स के बीच? हमारे पैरट्स क्या है क्वालिटी? कि जो भी उनके मालिक है उनकी बीवी को भी खुश करता है. अच्छा, मतलब बीवी को खुशी खुशी संतुष्टि देता है. इसका पोपट नाचता भी है. तुम्हारा पोपट कर सकता है? इसका पोपट तो बहुत कुछ कर सकता है. मुझे लगता है इसको इस शो को सेंसर करना चाहिए. हमें अभी मेरा ब्यूटी ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है. इसके बाद मैं और निखर जाऊंगी. चाप पकड़ो, मैं दबाता हूँ. आप अपना हेड गियर पहन लीजिए. The moment you are waiting for. अरे बाप रे बाप. Bye Shai. That's all. Okay, one. So on that note, guys, it's time to wrap up the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more musti, more entertainment, more gossip, only on Zoom. Turn on. Bye.